पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा। अवल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फार्म मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम तो कश्मीर के लिए इंडिया से जंग करेंगे। को लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के? क्या लगता है इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं? नहीं, उनके साथ तो नहीं है, वो उन्होंने हमारे साथ नहीं अच्छे रखे, हमने उनके साथ नहीं अच्छे रखे, बस ये बात है। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है, 5 करोड़। 76 साल से हमें नारों के पीछे लगाया गया, हमें जज्बाती स्टेटमेंट्स के पीछे लगाया गया, एक इंच भी कश्मीर की हम जो था वो जगह नहीं ले सके। क्या चाहते हैं कि हमारी मुल्की मुईशत अभी संभली नहीं और हम दुश्मन से टक्कर ले लें और जो हमारी जितनी भी कौम है उसको हम एक जंग के दहाने पे ले जाएं? कहा कि कौमी वकार की बहाली के लिए कशकोल तोड़ना जरूरी है, हमसायों समेत पूरी दुनिया से ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो तीसरे टन्योर में अहम फैसले लेने वाले हैं। जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने पता क्या कहा था? इतनी मैंने सलवारें नहीं चेंज करती जिनके जितने इनके वजीर आजम चेंज होते हैं। ये कितनी शर्म की बात है हमारे मुल्क की कि हमारे आज तक वजीर आजम को 5 साल मुकम्मल नहीं किए करने दिए जा रहे। हो ना हो, उन्होंने 14 बिलियन डॉलर का वहाँ पे इंडिया साइड कश्मीर में बजट मंजूर कर दिया और हम जो उनसे 3 बिलियन जो है हम छुट्टियाँ मना रहे घर में बैठ के, पार्टियाँ कर रहे हैं जी, कश्मीर डे है। 76 साल से एक इंच हमने एक चीज हम लकीर के फकीर है। आपके बचने की कोई मुझे किसी तरफ से कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपके क्राइसिस जो है सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस है। कतर, सऊदी अरब और ईरान ने एक साथ भारत को लेकर बड़े ऐलान किए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना दोस्तों हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा की जा रही है कश्मीर को लेकर कि 76 सालों में पाकिस्तान एक इंच भी कश्मीर नहीं ले पाया है, इसके पीछे वजह क्या है। तो काफी मजेदार वीडियो होगी, पूरी जरूर देख। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। हमने 76 साल में देखा, हमने नेबर के साथ दुश्मनी तो पाली, वो लोग चांद पे चले गए, हम कश्मीर कश्मीर करते रह गए, उन्होंने उसी जो उनके साइड कश्मीर है वहां पे अभी खबर ये आ रही है 14 बिलियन डॉलर की जो उनसे उन्होंने बजट मंजूर कर दिया है। हम यहाँ 3 बिलियन के लिए पाकिस्तान जो उनसे कभी IMF के पास जा रहा है, कभी चाइना से कुछ पैसे ले रहा है, कभी हम सऊदी अरेबिया की हेल्प के मुंतजिर रहते हैं, क्या कहेंगे? आज हमारा उनके साथ मुकाबला बन नहीं रहा। क्या हमें ऐसी सिचुएशन में अपने घर पे फोकस करना चाहिए या दूसरे घरों में जाके जो उनसे वो नारेबाजी करनी? देखिए मेरी बात सुने, हमने पहले अपने घर को सीधा करना है, अपने घर को सही करना है। आप देखें हमारे मुआशरे में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास तबका है, तो हर बंदे ने अपनी रेंज के मुताबिक ही अपने घर को चलाना होता है ना। इसी तरह हमारे मुल्क ने भी अपनी रेंज के मुताबिक ही अपने मुल्क को चलाना होता है। क्या चाहते हैं कि हमारी मुल्की मुईशत अभी संभली नहीं और हम दुश्मन से टक्कर ले लें और जो हमारी जितनी भी कौम है उसको हम एक जंग के दहाने पर ले जाएँ? तो इमरान खान साहब ने किया, उन्होंने किया क्या? जज्बाती स्टेटमेंट तो दे दी कि ट्रेड बंद कर देंगे। देखें मैं यहाँ पे ना इन्हें सपोर्ट करने आया हूँ, ना ही इमरान खान या किसी भी पार्टी को, लेकिन जो पाकिस्तान की गरीब अवाम है जो इस टाइम मुश्किल का सामना कर रही है, प्याज की कीमत देख लें, आलू टमाटर की कीमत देख लें, इंडिया से ट्रेड बंद करके हमें फ़ायदा क्या हुआ आपके ख्याल से? इंडिया से ट्रेड बंद करके हमें फ़ायदा क्या हुआ? इंडिया से ट्रेड बंद करके फ़ायदे और नुकसान की बात नहीं होती, इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, पाकिस्तान की अपनी भी कोई इज्जत है। तो जब या तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देख लें या फिर हर टाइम मांगना शुरू कर दें। अपने में ये आता है हम नारे लगा देते हैं, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे हम नारे लगा देते हैं। प्रैक्टिकली हमने 5 फरवरी जो है कश्मीर डे मनाया, नारे लगा के घर यूनाइटी यो में यकजहती छुट्टी मनाई, नाश्ते की, हलवा पूड़ियाँ खाई, घर बैठे रहे, व्हाट इज दिस? स्कूल में छुट्टियाँ हैं सब बच्चों। उन्होंने पता क्या किया, शायद आपको नॉलेज हो ना हो, उन्होंने 14 बिलियन डॉलर का वहाँ पे इंडिया साइड कश्मीर में बजट मंजूर कर दिया और हम जो उनसे 3 बिलियन जो है हम छुट्टियाँ मना रहे घर में बैठ के, पार्टियाँ कर रहे हैं जी, कश्मीर डे है। 76 साल से एक इंच हमने एक चीज हम लकीर के फकीर है। मैम क्या बेहतरी की उम्मीद आ रही है, नजर आ रही है, क्या लगता है? आई विल ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। फिर भी मैं फिर ये बात कहूंगी की ये लोग जो है लोगों को सपोर्ट करते हैं और हर बंदा अब जाग चुका है, नींद में नहीं है। गली गली जाके नारे लगाने से या किसी बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। दो ही चीजें जिंदगी में होती हैं, लीडर और लैडर। लैडर होती है सीढ़ी और लीडर होता है बाप,
मुल्क का, वो कोई भी हो, कामयाबी के लिए ये दोनों चीजें मर लिए बहुत जरूरी है। यही खवातीन को प्रॉपर राइट दिए जाएं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात की जाए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जाए, तो मैं समझता हूँ मेरी तरफ से, चाहे नवाज शरीफ गवर्नमेंट में आए, मेरी तरफ से इमरान खान गवर्नमेंट में आए, या पीपल पार्टी से कोई गवर्नमेंट में आए, पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए, पाकिस्तान की पब्लिक की बेहतरी होनी चाहिए और पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए। और वो तभी होगा जब हमें रियलिटी का पता चलेगा, जब हमारे रिलेशंस तमाम नेबर कंट्री के साथ बेहतर होंगे। और क्या आपको लगता है कि हमारे रिलेशंस नेबर कंट्रीज के साथ अच्छे होने चाहिए तो फिर हम तरक्की जल्दी करेंगे? आपको इस बारे में क्या लगता है? नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है बात, रिलेशनशिप तो हमारे ठीक ही है, हमारे मुल्कों के साथ ठीक है। वो भी क्या लगता है, इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं? नहीं, उनके साथ तो नहीं है, वो उन्होंने हमारे साथ नहीं अच्छे रखे, हमने उनके साथ नहीं अच्छे रखे, बस ये बात है। तो बाकी दूसरे तो जो यूरोप कंट्री है उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुक हैं। अच्छा। और बस बाकी हमारी अपने मुल्क का जो है ना वो अंदर वाले लोग नहीं ठीक, बाकी हमारा मुल्क तो दूसरा, मैं देख के हंस रहा, हमारे दूसरे मुल्क जो हमारी तरफ देख के हंसते हैं कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, एक दूसरे को चोर चोर कहा जा रहा है, एक दूसरे के गिरेमान में गाली गलोच की ये सियासत हो रही है, तो असरात पड़ते हैं हमारे दूसरे मुल्कों पर, असरात पड़ते हैं, अच्छा इमेज नहीं जाता हमारे मुल्क का। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि जो भी वज़ीर आज़म आए, जो अवाम मुंतखब करे, शफाफ इलेक्शन हो, जो आवाम मुंतखब करे उसको 5 साल पूरे करने दिए जाए। अच्छा, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या हमारे रिलेशंस नेबर कंट्री के साथ बेटर होने से पाकिस्तान तरक्की कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसी है, आप अगर आप देखें इंडिया को, इंडिया ने एक अपने जितने नेबर हमारा छोड़ दें कि हमारा उनका कैसे रिलेशन, बाकी उन्होंने उनकी क्लैशेस चाइना के साथ भी हैं, लेकिन वो ट्रेड भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तरक्की भी कर रहे हैं, और वो तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी ट्रेड बंद की हुई है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, क्योंकि जो डिप्लोमेसी है वो यही कहती है कि आपके जो मुल्की मुफाद है वो पहले आ। लगता है कि हमारे रिलेशन दूसरे नेबर कंट्रीज के साथ अच्छे होने चाहिए, क्या इसका असर पड़ेगा हमारे पाकिस्तान की तरक्की पे? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा। हमारे मामला दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे होने चाहिए, फिर हम आगे चल सके। ये नहीं कि हम दुश्मनियों में अब सबको जलाते रहे, पालते रहे, एक यहाँ पे गया कीचड़ उछाला जा रहा दूसरे मुल्कों पे, यही तो हमारे मुल्क का सियासत है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने सुना है पाकिस्तानी महिलाओं को जहाँ पर उनका रिएक्शन लिया जा रहा था, उनसे सवाल किया गया कि इन 76 सालों के अंदर पाकिस्तान 1 इंच भी कश्मीर क्यों नहीं ले पाया वो, जबकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो नेता हैं वो कश्मीर इशू को लेकर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर माहौल बनाते रहते हैं, पब्लिक को भड़काते रहते हैं कि हम आ गए तो ये कर देंगे कश्मीर के लिए, वो कर देंगे। अभी उनके जो PM है उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि 300 जंगे पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार हैं, तो कश्मीर पाकिस्तान के लिए वोट मांगने का एक बहुत ही अच्छा साधन है, एक जरिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो नेता है वो इस इशू को जो है ना तो ख़त्म करना चाहते हैं और ना ही इसको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कश्मीर का इशू है ये पाकिस्तानी आर्मी को भी जीवित रखता है, उनके नेताओं को भी जीवित रखता है। पाकिस्तानी आर्मी भी कश्मीर के नाम पर जो है ना और भारत से जंग करने के नाम पर मोटा बजट लेकर जाती हैं, और पाकिस्तान के नेता भी वोट लेकर सत्ता में आ जाते हैं, तो कोई भी नहीं चाहता है कि कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाए। लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ ने भी अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि वो किसी भी प्रकार से जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते ख़राब करके बैठे रहे, उनको जो है ना जल्द से जल्द रिश्ते सुधार की आवश्यकता है, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पर की हैं। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।